ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਰ ਹੈ बहुत ही अच्छा लगा और मैं समझता हूं कि जहां ये हमारा अधिकार है वहां हमारा सबका ये कर्तव्य भी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान करना चाहिए क्योंकि मतदान से ही आप निर्णय करते हैं कर सकते हैं कि आपको कैसी सरकार चाहिए एक देश को मजबूत बनाने वाली सरकार देश को भूख भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वाला लीडर चाहिए और दुनिया में जो देश को मजबूत बना सके और आगे बढ़ा सके ऐसे नेतृत्व की जरूरत है तो ऐसे नेतृत्व को चुनने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मतदान करें बहुत उत्साह है लोगों में और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इन 10 साल में काम हुआ तो निश्चित तौर से लोगों का जो आशीर्वाद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति रहेगा नहीं देखिए अभी जो इंडी गठबंधन है जिस प्रकार का उसका व्यवहार रहा है लोकतंत्र विरोधी व्यवहार रहा है संविधान के विरोध में उनका व्यवहार रहा है अभी बंगाल में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया तो ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा तो ये सब कुछ दर्शाता है कि वो संविधान को भी नहीं मानते और नियम कानून को नहीं मानते और ऐसा व्यवहार कोई एक जगह नहीं चाहे उनका उत्तर प्रदेश में दिखा लो कहीं भी लगा लो जब जब उनकी सरकारें नहीं इस प्रकार का व्यवहार उनका रहा है।